Hey everyone, welcome to Science at Ease. So now today we are going to start our next topic, that is derivation of DNA structure. Topic is derivation of DNA structure. See, in this topic we will discuss ki hamari kuch investigations hui, jin investigation ne hame help kiya डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में या डेराइव करने में. तो वो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या था, एक तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थी. आपको ये नेम ध्यान में रखने हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. एंड दूसरा यहाँ पे एक चारगेफ रूल लगा, चारगेफ रूल. तो ये चारगेफ रूल और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू आपने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया. बेसिकली जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थी वो आपकी विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने ऑब्टेन की थी. तो ये साइंटिस्ट के नेम आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने इसको ऑब्टेन किया था. इनको पता है क्या मिला था, फाइन एक्सरे डायफ्रेक्शन पिक्चर्स मिले थे डीएनए के. और इन्होंने फिर ये सजेस्ट कर दिया था कि जो डीएनए होता है वो एक काइंड का हेलिक्स होता है जिसके अंदर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग बार बार रिपीट होते रहते हैं. बट इन्होंने ना एक डिफाइन मॉडल नहीं दिया था, या हम बोल सकते हैं नॉट प्रपोज्ड डिफाइन मॉडल ऑफ डीएनए. फिर उसके बाद हमारे जो चारगेफ आए, चारगेफ का पूरा नाम था एर्विन चारगेफ. तो इन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलके कुछ बेस कंपोजिशन की स्टडीज की और इन्होंने फाइनली एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में जिक्र किया. तो ये चारगेफ रूल के अंदर आपका कुछ बातें इन्होंने बोली थी, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है. पहली बात इन्होंने बोली कि जो प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स होते हैं दे अकर इन इक्वल अमाउंट. प्यूरीन्स एंड जो पिरिमिडीन्स होते हैं दे अकर इन इक्वल अमाउंट्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात इन्होंने दी कि जो प्यूरीन्स जो डीएनए में मिलते हैं they are basically adenine and guanine, और जो pyrimidines होते हैं DNA में they are thymine and cytosine. और इन्होंने यहाँ ये बात बोली कि जो adenine plus guanine है they are equal to thymine plus cytosine. ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे, ये इनका पहली बात थी, दूसरी बात ये थी, और तीसरी बात यहाँ पे इन्होंने बोली कि adenine plus guanine का रेशो thymine plus cytosine के रेशो के इक्वल टू वन होता है. मतलब ए प्लस डी बाई टी प्लस सी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू वन. एंड दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल स्पीसीज. हर स्पीसीज के लिए ये वैल्यू फिक्स्ड रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है. तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि जो बेस रेशियो होती है, बेस रेशियो आपकी कौन सी है, बेस रेशियो ए प्लस टी बाय में सी प्लस जी. ये जो बेस रेशियो है दिस इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पीसीज. हर स्पीसीज की अपनी अपनी होती है, स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज. ठीक है, और स्पेसिफिक किस वे में होती है, लाइक वन सेकेंड. सी दिस इज स्पेसिफिक, लाइक अगर मैं बात करती हूँ इट इज लेस देन वन, वन से लेस होती है ये रेशियो किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर. तो आपको ये वैल्यूज यहाँ पे ध्यान में रखनी है. प्रोकैरियोट्स में दिस इज लेस देन वन. एंड अगर मैं इकोलाई के अंदर बात करती हूँ तो दिस इज स्पेसिफिक 0.92. ठीक है, एंड दिस इज मोर देन वन, मोर देन वन होती है ये यूकैरियोट्स के अंदर. तो यूकैरियोट्स के अंदर अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ तो ह्यूमंस में दिस इज 1.52 इसकी वैल्यू. ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज भी ध्यान में रखनी है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, नेक्स्ट बात इन्होंने यहाँ पे क्या बोली कि जो शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है,
द शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबोस और जो फॉस्फेट के रेसिड्यूज होते हैं यहाँ पे दे आर ऑल्सो अकर इन इक्वल नंबर. जितनी शुगर डीऑक्सीराइबोस होगी उतने ही फॉस्फेट होंगे, दे अकर इन इक्वल नंबर. ठीक है, इक्वल नंबर में रहेंगे. नेक्स्ट इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने बोला कि जो प्यूरीन आपका एडिनिन होता है, प्यूरीन जो एडिनिन है दिस इज इन इक्विमोलर विद पिरिमिडीन थाइमीन. ये किसके इक्विमोलर होता है, थाइमीन के. थाइमीन इज अ पिरिमिडीन. तो आपका पिरिमिडीन प्यूरीन एडिनिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन थाइमीन. एंड नेक्स्ट लास्ट इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, इन्होंने बोला कि जो प्यूरीन गुआनिन है, गुआनिन दिस इज इक्विमोलर विद पिरिमिडीन साइटोसिन. पिरिमिडीन साइटोसिन. ठीक है, तो ये बात आपकी डेरिवेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर में एरविन चारगेव्स रूल्स में बोली गई हैं. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मॉडल, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के कुछ फीचर्स वगैरह सब दिए हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू सो मच.